It's regarding Mallika Sheraawat, and after a very long time, we are seeing her, you know, and like, of course, like we have seen the sensual side of hers, and now you have got her in the comic timing. The last was Welcome, where we really like relished her role. So how was it like getting her on board? I think this was Raj's idea. के मल्लिका शेरावत को वापस लेके आते हैं, कम बैक कराते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से शी हैज़ नॉट डन दिस काइंड ऑफ रोल, स्पेसिफिक दिस काइंड ऑफ रोल. तो राज, आप बताओ. राज की फैंटेसी बहुत है कॉमेडी से हमेशा. आप फिर सक्सेसफुल होते हो तो आपको लगता है कि देखिए होट तेरे. मेरी देखिए, मैं आपको बताऊँ. सी देखिए, मैं बताऊँ क्या एक मिडिल क्लास फैमिली की हमने फिल्म बनाई है, उसमें जितना हो सकता था मैंने ये यूज़ किया है. राजकुमार, मल्लिका, यू नो, शाह, बड़े बड़े नाम, यू नो, ताकि फिल्म अमीर लगे थोड़ी सी. तो मल्लिका को लाने का रीज़न ये था कि ये जो किरदार इनमें लिखा है ये मल्लिका पे बहुत सूट करता है. उन्होंने क्योंकि जिस किस्म का ये किरदार है, उस वक्त की मॉडर्न लड़की जिस किस्म की होती थी वो मल्लिका के ऊपर बहुत तरीके से आया, इसलिए उनको कास्ट किया है. अदरवाइज़ मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है. मेरा कोई बिल पारिवारिक फिल्म 97% पारिवारिक है, 3% महापारिवारिक है, और ये जो महापारिवारिक है मैंने मल्लिका के चक्कर में ही डाला है. हेलो. अच्छा, मेरा सवाल सबसे पहले राज सर आपसे रहेगा. ये फिल्म में कई ऐसे गाने, चाहे नना नना नारे हो या फिर कुमार सानू जी वाला गाना हो, कई ऐसे पुराने गाने भी सुनने में आ रहे हैं. तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि कितने गानों का आप लोगों ने रिमिक्स या रिक्रिएट किया है, कितने पुराने गाने यूज किए हैं इसमें. और फिल्म में 6.5 गाने हैं, एक का अंतर हमने निकाल दिया थोड़ा सा. इसमें 3 हमने रिक्रिएट किए. रिक्रिएट क्रिएशन भी नहीं बोलूँगा मैं, एज इट इज़ गाना हमने लिया और उसकी जो ब्यूटी है उसको बरकरार रखा है. कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की उसमें कि बेवजह उसको ज़्यादा उसकी प्रोग्रामिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा किया जाए. बाकी जो गाने हैं वो सचिन जिगर साहब ने जो बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉम्पोजिशन उन्होंने की हैं. बाकी जो गाने हैं दो ही रिक्रिएट किए हमने. चार गाने जो हैं वो हमारे नई कॉम्पोजिशन हैं जो सचिन जिगर जी ने बनाई हैं, और आप जब गाने सुनेंगे आपको लगेगा कि ये 90s के दौर के भी हैं और अब के दौर के भी. तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने, उनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार आप, यू नो, तो वो है.